अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप सबको हमारे चैनल डॉक्टर शाहिद नदीम टीवी पर खुश आमदीद। व्यूअर्स, आपको बताते चलते हैं, पीएमसी की जानिब से एमडी कैट के बाद एमबीबीएस और बीबीएस के जो एडमिशन्स कंडक्ट करवाए गए थे, उस एडमिशन में जो थी वो डेट पीएमसी की तरफ से एक्सटेंड कर दी गई थी, और एक्सटेंड करने के बाद जो थी उन स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए भी डेट दोबारा एक्सटेंड की गई थी जिनके इम्प्रूवमेंट के साथ रिजल्ट आने थे और डिलेड रिजल्ट थे। तो पीएमसी ने उनके लिए डेट जो थी वो 10 फरवरी तक एक्सटेंड कर दी थी। अब पीएमसी ने नोटिफिकेशन जारी किया कि क्लोजर ऑफ एडमिशन्स के एडमिशन्स जो है वो हर तरह से 2021 के बंद कर दिए गए हैं। एडमिशन चाहे लेट हो, चाहे इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हों, या लेट रिजल्ट्स वाले हों, प्रोविजन्स वाले जो भी हों, रिजल्ट्स जो हैं, एडमिशन्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने नोटिफिकेशन में बताते हुए कहा है कि एडमिशन ऑफ ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैव क्लोज्ड। द कॉलेजेस आर करंटली कंडक्टिंग कंक्लूडिंग अपहोल्डिंग द एडमिटेड स्टूडेंट्स लिस्ट। जो स्टूडेंट्स जो हैं या फिर पीएमसी जो है वो तमाम स्टूडेंट्स की जो अपहोल्डिंग लिस्ट जो है वो कंक्लूड कर रहे हैं। उसके साथ उन्होंने कहा है द अथॉरिटी विल असेस द डाटा एंड प्लेस द सेम बिफोर द काउंसिल इन इट्स मीटिंग ऑन 15 फरवरी फॉर कंसिडरेशन ऑफ एनी स्पेशल पॉलिसी रिगार्डिंग द वैकेंट सीट्स। और वो तमाम सीट्स जो कि अभी कंक्लूड करेंगे, पहले सीट्स कितनी जो है वो फिल दोबारा हो गई है और कितनी जो है वो आखिर पे स्टिल वैकेंट सीट्स बचती हैं। और पीएमसी ने कहा है कि ऐसी सीट्स जो कि वैकेंट हो जाएंगी, अभी भी खाली सीट्स जो रह जाएंगी उनके बारे में पीएमसी जो है वो 15 फरवरी को डिसाइड करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसी सीट्स जिन पर अभी तक कोई भी नहीं है या फिर जो अभी खाली सीट्स हैं लेकिन कोई आना चाहता है, तो उनके बारे में पीएमसी जो है वो 15 फरवरी को डिसाइड करेगी कि हमने उन वैकेंट सीट्स का जो है वो क्या करना है और उनको किस तरह से फिल आउट करना है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि एडमिशन्स जो है वो क्लोज हो गए, अब दोबारा 2021 के जो थे एडमिशन्स वो दोबारा ओपन नहीं किए जाएंगे। अब एक ही बार 2022 का जब एमडीकेट रिजल्ट आएगा, एमडीकेट रिजल्ट कंडक्ट होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा और उसके बाद जो है वो एडमिशन्स वो जो है ओपन किए जाएंगे पीएमसी की जानिब से तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस के। तो इसमें जो था उन्होंने फिलहाल यही बताया, वो तमाम कॉलेजेस जिनमें जो थे एडमिशन जो ओपन हुए थे 10 फरवरी तक, वो भी हमने लिस्ट आपके सामने इससे पहले अवेजा की थी कि वो कौन सी लिस्ट है और किन किन स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन ओपन हुए हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी तरफ से आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई। मजीद ऐसी वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट में बताएं तो हम उसको रिजॉल्व करें और उस पर वीडियो बनाएं। शुक्रिया।